भारत में गंगा जमुना तहजीब की बात हो और हमारे मन में संगम की छवि उभर कर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैदिक काल की इन महान नदियों का संगम प्रयागराज में है, जहाँ निर्मल गंगा अपना दूधिया सा रंग लिए पवित्रता की परिचायक बनती है, तो वहीं कुछ नीलिमा भरे रंग को साथ लिए यमुना अधिक वेग के साथ आगे बढ़ती है। दोनों ही अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए फेमस हैं। लेकिन बात जब दो समुदायों की आती है तो लोग गंगा जमुनी तहजीब को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। आज की चर्चाओं में जब बात सामाजिक सद्भाव की आती है, तब हम अक्सर गंगा जमुनी तहजीब की बात सुनते हैं। यूं तो भारत में अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं, लेकिन जब बात गंगा जमुनी तहजीब की आती है तो हमें पूरा समाज दो गुटों में बटा नजर आता है। एक भारत का समाज हिंदू समाज है तो दूसरे भारत का मुस्लिम समाज है। तर्क दिया जाता है कि लंबे समय से यह दोनों समुदाय एक साथ शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते आए हैं, और अभी हाल ही के वर्षों में राजनैतिक हित साधने के लिए इन सह अस्तित्व पर प्रश्न उठाए जाने लगे। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक छलावा मात्र है, इसका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका कहना है कि देश के विभाजन के समय होने वाले दंगे, फसाद और धर्मांतरण इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसा सह अस्तित्व कभी था ही नहीं। तो आइए जानते हैं इस शब्द से जुड़े हर पहलू को, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आखिर क्या है गंगा जमुनी तहजीब? इस तहजीब की शुरुआत कब और कैसे हुई? यह एक स्थूल संस्कृति की बात है या फिर आजकल की वह बहसें जिन्हें हम सुनते आ रहे हैं? क्या यह एक मिथ्या सिद्धांत है? क्या यह वाकई समाज के कुछ हिस्सों में वैसे ही विद्यमान है जैसे हम आज तक सुनते या मानते आए हैं? जय हिंद। मैं पल्लवी सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम संस्कृति नामा में। आज का प्रोग्राम है क्या है गंगा जमुनी तहजीब। इतिहास के पन्नों को टटोलने पर पता चलता है कि जब दिल्ली सल्तनत काबिज हुई तब ऐसी किसी विशेषता का प्रमाण नहीं मिलता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उसके राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्यों पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1206 के आसपास दिल्ली सल्तनत की सारी बागडोर मात्र 40 तुर्कों के नियंत्रण में रही। इनमें स्थानीय नागरिकों की भागीदारी देखने को नहीं मिलती है और यह स्थिति हमें गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश तक बराबर देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत के बाद अगली खेप अफगानिस्तान के खजल से आई और इसके बाद सैयद काल में करीब 22 अफगान परिवारों ने सत्ता को अपने हाथों में काबिज रखा। वहीं बाबर अपने साथ ईरान और तुरान से कुछ लड़ाकों को लेकर आया। सारी सियासी गतिविधियां इन्हीं दो हाथों में सिमट कर रह गईं और इस बात का खास ध्यान रखा गया कि कोई इस सियासत का हिस्सा न बन सके। कालांतर में मुगल शासन द्वारा बंगाल और अवध में सूबेदार रखे गए। सादत अली खां जो 1708 में ईरान से आया, 1722 में अवध का नवाब बना। मुर्शिद कुली खां, जिनका जन्म तो सूर्य नारायण मिश्र के नाम से हुआ था, पर हाजी सफी द्वारा इन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया गया। सन 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाकर भेजा था, जो 1717 में बंगाल का पहला नवाब बना। हैदराबाद की सत्ता निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ के हाथों में गई। गौरतलब है कि आसफ जहाँ खुद को अबू बकर का वंशज बताता था। अबू बकर वही जो बगदाद का खलीफा था। समय समय पर नवाबों ने इस बात पर गर्व प्रकट किया कि इनका भारत के साथ कोई रिश्ता नहीं। अपने शासन में इन नवाबों ने स्थानीय जनता पर कहर बरसाया। इसी तरह इनका शासन लंबे समय तक चलता रहा। भारत में मुसलमानों की अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक सर सैयद जी का कहना है कि अंग्रेजों पर और उनकी तहजीब का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की सहायता से हिंदू शासन को आने से रोका जा सकता है। अंग्रेजी शिक्षा की मदद से बरतानिया हुकूमत का हिस्सा बना जा सकता है, लेकिन यह सब हमें अंग्रेजी तहजीब में डूबे बिना ही करना है। इस तरह अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जो आज भी देखने को मिलते हैं। मुस्लिम लीग आज भी केरल में अस्तित्व में है तो कई राजनीतिक पार्टियां केवल एक ही समुदाय के बारे में बात करती दिखती हैं। अब सवाल यह उठता है कि गंगा जमुनी तहजीब कभी थी भी या नहीं? क्या इसका अस्तित्व अभी भी विद्यमान है? अगर हम सरसरी निगाह से देखें तो हम पाएंगे कि समाज में विस्तृत रूप से ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय अपनी आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते आए हैं। लेकिन अभी
जिन उदाहरणों को हमने सुना उससे यह प्रश्न तो मन में लाजमी ही बनता है कि क्या यह गंगा जमनी तहजीब धीरे धीरे अस्तित्व में आई जो कालांतर में गंगा जमनी तहजीब कहलाई। आजकल तो यहाँ तक कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब को सह अस्तित्व में ला पाना असंभव मात्र है, यह एक जुमला हो सकता है। गंगा जमनी तहजीब के अस्तित्व में आने पर यह भी देखना होगा कि अधूरे धर्म परिवर्तन का क्या प्रभाव है। अगर हम मतांतरण पर ध्यान दें तो पाएंगे कि वह लोग जो मतांतरण के साथ इस्लामिक सिद्धांतों के तरफ गए वह एक लंबे समय तक अपने पुराने धार्मिक सिद्धांतों के साथ जुड़े रहे और बहुत से लोग तो पूरी जिंदगी उससे अलग ही नहीं हो पाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म परिवर्तन करना उनका स्वैच्छिक मत रहा होगा, लेकिन फिर उनका अपनी परंपराओं से जुड़े रहना एक आदतन मात्र या प्रबल इच्छा कि अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं को सजो कर अपने साथ रख लिया जाए या फिर अपने पुराने तौर तरीकों से जुड़े रहना कहीं अपनी संस्कृति से अलग किए जाने पर लोगों का एक छुपा प्रतिकार या विरोध तो नहीं था। इन प्रश्नों का उत्तर दे पाना आसान तो नहीं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मतांतरण के बाद भी अपनी पुरानी परंपराओं से अपनी पुरानी जड़ों से जुड़े रहना गंगा जमनी तहजीब हो सकती है। हम कई जगहों पर देख सकते हैं भाषा की समानताएं, परंपराओं में समानताएं जैसे पैर छूना, दिया जलाना इत्यादि, जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं और वह बहुत से धर्मांतरण मुसलमानों में आज भी विद्यमान है। अगर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो पता चलता है कि सभी मजहबों को मानने वाले लोग अपनी पुरानी परंपराओं में आज भी रचे बसे हैं। अतः भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब की परिकल्पना के पीछे शायद देसी संस्कृति का पूरी मतांतरण न हो पाना रहा होगा। इसके अलावा भारत इस बात में भी विशिष्ट है कि जहां एक ओर मजहबों के क्षेत्राधिकार में आने वाले देश पूर्णतः अपने प्राचीन संस्कृति से अलग हो गए हों, वहीं यहां पर एक बड़ा वर्ग अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा रहा है। जब देश का विभाजन टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ तो भारत में बुद्धिजीवी ने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में सामंजस्य बनाने के लिए भी गंगा जमुनी तहजीब पर जोर दिया और ये बताने की कोशिश की कि न केवल ये दोनों समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से साथ में रह सकते हैं बल्कि हमेशा से ऐसा करते आए हैं। इस छोटे से अंक में इतनी जटिल और ऐतिहासिक परिकल्पना पर बात कह पाना नाइंसाफी होगी, इसलिए इस सभ्यता पर हम आने वाले अंकों में भी बात करते रहेंगे। पर अभी इतना तो कहा जा सकता है कि गंगा जमुनी तहजीब पर चाहे जितनी भी बहसें की जाएं, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हम राष्ट्र राज्य की दुनिया में रहते हैं और किसी भी राज्य की प्रगति और विकास के लिए उसके नागरिकों का सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत में रहने वाले समुदायों को भी सबसे पहले भारत देश के लिए निष्ठावान होना पड़ेगा और इस सच को भी आत्मसात करना पड़ेगा कि आपसी एकता, समरता और ये प्रढ़ से आपसी टकराव का निपटारा ही एक उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये गंगा जमुनी तहजीब टूट कर नहीं बिखरने वाली, नफरतें कितनी भी बढ़ जाएं, मोहब्बतें नहीं मरने वाली। जय हिंद।